वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बर्थडे लुक मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि मैंने अपने बर्थडे में क्रिएट किया था। और मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो आज मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, और सारे ही प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप बाय द चांस अगर आपको मंगवाना हो तो। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूँगी, क्योंकि वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब का मल्टी विटामिन स्किन इन्हेंसमेंट फेस क्रीम, जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में, तो मैं ये मल्टी विटामिन स्किन क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखना ज़रूर, मैंने अपनी वीडियो में इसको शेयर किया है। ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर देती है। अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी क्रीम से। अगर आपकी मेरी तरह ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छे से मसाज करने की ज़रूरत है। अभी मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रखी है, तो मैं एक फेशियल ऑयल लगाऊंगी, फेशियल सीरम लगाऊंगी, जो मैंने आपके साथ अपनी फर्स्ट वीडियो पर्पल हॉल में शेयर किया था, गुड वाइब्स का रोज़हिप सीरम, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। हर स्टेप को सेटल इन होने में टाइम लगता है, तो आप उससे सेटल इन होने दिया करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं मेकअप करके तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लगाना मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो चुकी है, मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरम लगा लिया एक्चुअली। जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर। ये बिल्कुल सिलिकॉन में है, इसको मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर, अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइमर क्यों लगाते हैं, अगर मैं इस पर आपके साथ एक वीडियो शेयर करूं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। वैसे तो आप सबको पता होगा कि हम प्राइमर अपनी स्किन एज अ बेस यूज़ करते हैं मेकअप से पहले, ताकि हमारा मेकअप हमारे पोर्स के अंदर ना जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे, टिका रहे, हमारी स्किन पैची ना लगे। जितने भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पर लगाते हैं, मोस्टली टी जोन एरिया पे लगाते हैं इसे, जो हमारा ये टी जोन एरिया होता है। पर मैं इसे एज अ पूरा फेस मेकअप अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मेरी फ्लेकी स्किन होने के कारण मेकअप सेट ना हो, इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको हम थोड़ा टाइम देंगे कि ये सेटल इन हो जाए हमारी। अब हम अपने स्किन पे कलर करेक्टिंग यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे NYB का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरे पास कंसीलर है, कॉन्टोर है और ऑरेंज करेक्टर है। तो जहाँ पे हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या अंडर आई एरिया होता है, जो डार्क सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि हम उसको हाइड कर सकें। तो अब मैं ये ऑरेंज करेक्टर लूँगी अपने अंडर आई एरियाज़ को, मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और इसको सेट कर लूँगी। मैं अपना वही मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ जो मैंने अपने बर्थडे पे किया था।
अब मैं ले रही हूँ एनवाईबे का फाउंडेशन, जो कि मेरे स्किन टोन से मैच करता है। मेरा शेड है, अभी आपको बताती हूँ, अगर इसमें लिखा होगा तो शेड है सैंड हेरिटेज 8, ये मेरा शेड है। और अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा अपने यहाँ पे लेके। आई डोंट बिलीव इन कवरेज, तो मैं अपने फेस पे पूरी कवरेज नहीं देती हूँ, मैं बस हल्का सा स्किन को इवन आउट करने के लिए अप्लाई करती हूँ। इसको हम अप्लाई कर लेंगे। अब मैं एनवाईबे का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं बस अपनी अपर लिड में यूज़ करूँगी, आई शेडो को हाईलाइट करेंगे, और मैं कहीं यूज़ नहीं कर रही। मैंने बिल्कुल हल्की सी कवरेज दी अपने फेस पे, भी ज़्यादा अप्लाई नहीं किया प्रोडक्ट। अब मैं अपने मेकअप को लैक्मे 925 से सेट कर लूँगी मेकअप को, ताकि ये ग्रीस ना करे। अब मैं रेवोल्यूशन का मेकअप पैलेट यूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो के लिए। मैंने उस दिन ब्लू कलर का शेड किया था, सबसे पहले मैं अपने ट्रांजिशन कलर में अपनी न्यू लिपस्टिक लगाऊंगी, ताकि मुझे अच्छे से मेकअप बेस मिल जाए, आई शेडो बेस मिल जाए उसके लिए। इसको हम थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर लेंगे। फाउंडेशन शेड अप्लाई हो चुका है। अब हम सबसे पहले एक न्यूट शेड अप्लाई करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ दिस वन न्यूट शेड। ब्लफिंग आउट द एजेस। अब थोड़ा सा ब्राउन शेड अप्लाई करूंगी अपने आउटर कॉर्नर्स पे।
वी शेप पे। अब हम ब्लू शेड अप्लाई करेंगे अपने इनर कॉर्नर्स में। ब्लफिंग आउट द एजेस को मर्ज कर लेंगे। अब मैं अपने इनर कॉर्नर में भी सॉरी मैं अपने अब नीचे भी ये ब्लू वाला शेड अप्लाई कर लूँगी। एंड दैट्स इट, माय आई शेडो लुक इज कंप्लीट। मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे ब्लश, डैप स्माइल करेंगे और लगाएंगे बिल्कुल लाइट, नहीं तो हम स्कूल में जो बच्चों के लाली कर देते हैं, गुलाब कर देते हैं चीक्स को, वो हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लेंगे अब हाइलाइटर, अब इसे यहाँ लगाएंगे। मैंने आज कॉन्टरिंग नहीं की है क्योंकि कॉन्टरिंग रोज के बेसिस पे नहीं की जाती है। और अब हम लगाएंगे अपना लास्ट लिपस्टिक। मेरे पास है लैक्मे 24 आवर वाटरप्रूफ लिपस्टिक, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस। ये है वाटरप्रूफ लिपस्टिक, इसका शेड बहुत ही प्यारा है। मेरा जो नीस है वो रो रहा है तो इग्नोर। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और शेयर करती रहूं, तो सेंड इस वीडियो को गिव्स अ बिग थम्स अप। एंड अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आपको पसंद भी आती है वीडियो और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, सो दैट आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।